वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं आज के दिन के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जहां पर आज के दिन की जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है द्रौपदी विजय की अपकमिंग फिल्म यानी कि द गोट से। तो द गोट फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज के बाद देखा जाए तो खास करके हिंदी ऑडियंस के बीच में फिल्म का जो रिस्पॉन्स था वो ज़्यादातर नेगेटिव साइड पर ही था, जहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स का जो सबसे बड़ा कारण था वो थी इसकी हिंदी डबिंग, जो कहीं पर भी अच्छी तो नज़र नहीं आ रही थी। खास करके विजय और इस फिल्म के स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए उस हिसाब से तो बहुत ही खराब नजर आ रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो केवल द गोट फिल्म ही नहीं, रिसेंटली कुछ और तमिल फिल्में आई हैं जिनके ट्रेलर के डबिंग ने जो है काफी निराश किया है, खास करके थांगलन और कंगुआ फिल्म के। पर द गोट फिल्म के केस में जो सबसे अच्छी और यहां पर एक राहत की बात निकल के आ रही है वो ये है कि यहां पर जाने माने जर्नलिस्ट यानी कि श्रीधर पिल्ले के द्वारा ये कंफर्म करवाया गया है प्रोडक्शन हाउस ने कि यहां पर ऑडियंस के इस फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए मेकर्स जो है फिल्म के अंदर द्रौपदी विजय की जो वॉइस रहेगी हिंदी वर्जन में उसे चेंज करने जा रहे हैं। अभी शायद हो सकता है कि डबिंग जो है केवल ट्रेलर के लिए ही करवाई गई हो, जैसा कि कंगुआ के केस में भी नजर आ ही रहा था, तो उसी तरीके से अभी केवल ट्रेलर के लिए ही शायद डब करवाया गया हो और इसीलिए अब जब फीडबैक मिल चुका है तो मेकर्स यहां पर वॉइस आर्टिस्ट जो है चेंज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद और आशा रखते हैं कि अब इस बार जो वॉइस आर्टिस्ट वो सिलेक्ट करें वो यहां ऑडियंस को पसंद आए। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या थांगलन और यहां पर कंगुआ फिल्म के जो मेकर्स हैं वो ऑडियंस के इस फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, नहीं लेते हैं, डबिंग में कुछ सुधार होता है नहीं होता है। हालांकि बात केवल यहां पर वॉइस आर्टिस्ट की नहीं है, कंगुआ और द गोट फिल्म के अंदर मिक्सिंग में भी जो है काफी जगहों पर प्रॉब्लम्स नजर आई थी। और मुझे तो पर्सनली केवल द्रौपदी विजय की ही नहीं, इवन प्रभुदेवा की भी जो आवाज सुनने को मिली थी वो भी मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही, बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी वॉइस। तो केवल एक्टर की ही नहीं, मेरे हिसाब से यहां पर जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी वॉइस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो देखा जाए तो इस फिल्म के साथ काफी कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक जो है ज्यादातर होता नहीं था। कल सबसे पहले देखा जाए तो ट्रेलर हमें सही समय पर देखने को मिल गया हिंदी वर्जन का। अक्सर जो है हिंदी ट्रेलर काफी लेट आता है विजय की फिल्मों का, पर कल सारे ही ट्रेलर एक साथ हमें एक ही समय पर देखने को मिल गए। ऑडियंस का फीडबैक भी जो है उन्होंने लिया है, डबिंग में भी जो है सुधार होने जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रिलीज इस फिल्म को किस तरीके का मिलता है। जी स्टूडियोस है, इवन कल जो है अर्चना ने जो है ये कहा भी है कि वो एक बड़ा रिलीज हिंदी वर्जन में नॉर्थ में जो है फिल्म को देना चाहते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो रिलीज इस फिल्म को मिलता है या नहीं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है लोकेश कनगराज से। तो वैसे तो लोकेश कनगराज के पास जो लाइनअप है वो इतनी बड़ी है कि वो अपनी 10 फिल्में जो कंप्लीट करके यहां पर फिल्मों को छोड़ने वाले हैं वो कैसे छोड़ेंगे वही अभी तक जो हमें समझ आ नहीं पा रहा है। पर उनकी फिल्मों की जो लाइनअप है वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसे तो हर एक इंडस्ट्री में ऐसी काफी सारी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो सीधा कोई भी डायरेक्टर जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देता है तो उसे सीधा एडवांस दे देते हैं और फ्यूचर में कभी भी उस डायरेक्टर को जो है कैसे भी करके फिल्म बनानी ही पड़ती है उस प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो ऐसे ही एक प्रोडक्शन हाउस है मैत्री मूवीज, जिन्होंने काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स को ऑलरेडी जो है एडवांस पेमेंट दे के रखा हुआ है। लोकेश कनगराज है, वांगा रेड्डी है, तो लोकेश कनगराज को मैत्री मूवी मेकर्स के अंडर एक फिल्म बनानी है। अब उस फिल्म के केस में कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को एक बॉलीवुड फिल्म के तौर पर बनाना चाहते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में जो नाम निकल के आ रहा है वो है आमिर खान का। जी हां, इस फिल्म के लिए जो है अब आमिर खान के साथ डिस्कशन चल रही है और कहा जा रहा है कि चीजें जो है काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जैसे ही इस खबर पर कंफर्मेशन मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। इस कॉम्बिनेशन पर आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो प्रभास और हानु राघवापुड़ी की फिल्म फाइनली ऑफिशियली जो है अनाउंस हो चुकी है। फिल्म का जो है कल पूजा रखा गया था, ओपनिंग सेरेमनी यहां पर रखी गई थी, जहां पर जो कुछ चीजें यहां पर पता चली हैं फिल्म को लेकर उसकी अगर बात करें तो 1940s में जो है फिल्म की कहानी सेट होने वाली है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये एक फिक्शनल स्टोरी होने वाली है, पर ये स्टोरी इस तरीके की रहेगी जो कह सकते हैं कि एक सच्ची घटना का एक ऑल्टरनेट वर्जन जो है हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर फिल्म की कहानी का जो कनेक्शन है वो हमें आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर से प्रभास जो है एक अगेन डिफरेंट फिल्म के साथ आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट के साथ हमें एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। देखते हैं हानु राघवापुड़ी जो ज्यादातर हमें जो है रोमांटिक ड्रामा फिल्मों को जो है यहां पर डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं वो इस फिल्म को किस तरीके से हैंडल
करते हैं, ये फिल्म क्या एक आउट एंड आउट वॉर ड्रामा फिल्म होगी या फिर से यहाँ पर एक रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म जो है हमें देखने को मिलेगी। फिल्म में प्रभास के अपोजिट जो है ईमान इस्माइल नाम की एक एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो इस फिल्म से टॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही है सुपरस्टार रजनीकांत जी और अमिताभ बच्चन जी की अपकमिंग फिल्म यानी कि वेटेन से। तो इस फिल्म से जुड़ी कल जो है एक ऑफिशियल अपडेट यहां पर निकल के आने जा रही है। कल सुबह 10 बजे कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में जो खबर चल रही है उस हिसाब से ये फिल्म अभी भी जो है 10 अक्टूबर को ही जो है रिलीज होगी, यानी कि ये फिल्म अभी भी जो है कंगवा फिल्म के साथ ही जो है क्लैश करने वाली है। हालांकि कंगवा फिल्म के प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि वेटेन फिल्म जो है यहां पर आएगी 10 अक्टूबर को, इसलिए जो है उन्होंने कंगवा फिल्म को उस समय पर रिलीज किया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल इस फिल्म की रिलीज डेट जो है हमें क्या देखने को मिलती है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जहां पर शुरुआत करते हैं रिलीज हुई 2 तेलुगु फिल्मों से यानी कि डबल स्मार्ट और यहां पर मिस्टर बच्चन से। तो डबल स्मार्ट और मिस्टर बच्चन दोनों ही देखा जाए तो एक सुपर डिजास्टर अल्ट्रा डिजास्टर की तरफ जो है अपने कदम बढ़ा चुकी है। बात करें डबल स्मार्ट की तो इस फिल्म ने जो है 3 दिन में वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सिर्फ 15 करोड़ का ग्रॉस और 9.62 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन किया है। फिल्म ने शनिवार यानी कि अपने तीसरे दिन केवल 1.90 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है और अभी तक केवल 20% की ही जो है यहां पर रिकवरी हुई है, यानी कि फिल्म का डिजास्टर होना कंफर्म हो चुका है। बात करें मिस्टर बच्चन की तो इस फिल्म ने 3 दिन में जो है वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसके सामने शेयर कलेक्शन बन रहा है 6.85 करोड़ का। तीसरे दिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1.90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसकी भी अभी तक ओवरऑल रिकवरी जो है सिर्फ 21% की हुई है। हालांकि इसके थियोरिटिकल राइट्स केवल 32 करोड़ में ही बिके थे और उसे भी हासिल करने में ये फिल्म कामयाब नहीं होगी। हासिल करने की तो बात दूर की है, शायद 50% रिकवर करना भी जो है मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर चियान विक्रम की फिल्म थांगलन की तो ये फिल्म ठीक ठाक तरीके से जो है परफॉर्म कर रही है। ओपनिंग भले ही फिल्म ने सॉलिड ली हो पर अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उस लेवल तक नहीं गया है, नजर नहीं आया है जो इसे एक ब्रेक इवन की तरफ मजबूती से आगे बढ़ा पाए। संडे और मंडे दोनों ही बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, किस तरीके से कितना ज्यादा बड़ा जंप ये फिल्म लेती है देखना इंटरेस्टिंग होगा। 3 दिनों की अगर बात करें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ का ग्रॉस और अराउंड 18.90 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन किया है। इसके अलावा अगर बात करें बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही आग लगा रही फिल्म स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 3 दिनों में जो ऑफिशियल प्रोड्यूसर्स फिगर्स यहां पर दिए गए हैं तो प्रीमियर शोज की बात करें तो 9.40 करोड़, पहले दिन 55.40 करोड़, दूसरे दिन 35.30 करोड़ और तीसरे दिन 45.70 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन यहां पर फिल्म ने किया है, जिसके साथ साथ इस फिल्म का जो ओवरऑल नेट कलेक्शन बनता है 3 दिन का वो है 145.80 करोड़ का। बात करें ट्रेड फिगर्स की या फिर कुछ ट्रैकिंग वेबसाइट्स की तो ओवरऑल ऑन एवरेज जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 135 से 138 करोड़ के बीच में है, तो 6-7 करोड़ का डिफरेंस जो है यहां पर देखने को मिल रहा है, पर फिर भी हम ऑन एवरेज 140 करोड़ तो पकड़ के चल ही सकते हैं। बात करें ओवरसीज की तो ओवरसीज से फिल्म ने जो है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया है, यानी कि फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड तकरीबन 190 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन भी जो है तबाही भरा ही रहा है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन ये फिल्म आज भी जो है इंडिया मात्र से करती हुई नजर आ रही है। कल भी हॉलीडे है, देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से इन दोनों दिनों में ये फिल्म आग लगाती है। तो वैसे आपने फिल्म स्त्री 2 देखी है या नहीं, देखी है तो कितनी बार देखी है और फिल्म आपको पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।